लेटर टू एडिटर फॉर्मेट, इसमें क्या होता है, आपको आपके 8 पॉइंट्स हैं फॉर्मेट के अंदर, जैसे यहाँ पे 8 पॉइंट्स है ना, आपको 8 पॉइंट्स याद रखने हैं, मैं आपको करवाता हूँ। पहले में क्या लिखना है, सेंडर एड्रेस। सेंडर एड्रेस क्या होता है, द एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ द सेंडर आर रिटन हेयर इंक्लूडिंग ई मेल फोन नंबर इफ रिक्वायर्ड और इफ मैंशन द क्वेश्चन। सेंडर एड्रेस जो बंदा एड्रेस जो लेटर लिख रहा है उसका एड्रेस आएगा, फिर आएगी डेट, द डेट इज रिटन बिलो सेंडर एड्रेस आफ्टर लिविंग वन स्पेस और लाइन। एक लाइन छोड़ने के बाद डेट लिखनी है आपने। रिसीविंग एडिटर एड्रेस, उसके बाद एडिटर का एड्रेस आएगा, जो से एडिटर का एड्रेस दे रखा है क्वेश्चन के अंदर। सब्जेक्ट ऑफ लेटर, फिर सब्जेक्ट आएगा लेटर का, कि मतलब पर्पस क्या है, मेन पर्पस क्या है। लेटर फॉर्म द सब्जेक्ट, इट मस्ट बी रिटन इन वन लाइन, वन लाइन के अंदर होना चाहिए वो। इट मस्ट कन्वे द मैटर फॉर विच द लेटर इज रिटन, उसके अंदर बिल्कुल ही ब्रीफ होना चाहिए कि मतलब आप लेटर किस बारे में लिखना चाह रहे हैं। फिफ्थ पॉइंट सैल्यूटेशन, जैसे डियर सर, रिस्पेक्टेड मैडम आ जाएगा। उसके बाद बॉडी आएगी, बॉडी में क्या है, तीन पैराग्राफ बनेंगे। कितने पैराग्राफ, तीन पैराग्राफ बनेंगे। पहले पैराग्राफ में आपने क्या करना है, इंट्रोड्यूस करना है अपने आप को और पर्पस बताना है राइटिंग का ब्रीफ के अंदर, कि मतलब पर्पस क्या है। सेकंड पैराग्राफ में आपने डिटेल बतानी है मैटर की। थर्ड पैराग्राफ में आपने कंक्लूड करना है कि आपके हिसाब से व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम एडिटर, आपके हिसाब से एडिटर को क्या करना चाहिए। जैसे अब ये लिख सकते हैं कि मेरे मैं आप चाहता हूँ कि आप मेरे इस लेटर को अपने न्यूज़पेपर में दिखाइए, ठीक है। जैसे ये यू मे वॉन्ट हिम टू हाईलाइट द इशू इन द न्यूज़पेपर एंड मैगजीन। सेवन्थ में कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज कर देना, एट्थ में सेंडर नेम सिग्नेचर रिकग्निशन अगर रिक्वायर है। तो मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूँ, उससे आपको काफ़ी अच्छा आइडिया आ जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यू आर राधा, आप राधा हैं, मेंबर ऑफ एनजीओ आवाज़ के, राइट अ लेटर। आप लेटर लिख रहे हैं टू द एडिटर, एडिटर को, टू द नेशनल डेली फॉर द पब्लिक मूवमेंट टू क्लीन द यमुना रिवर, यमुना रिवर के क्लीन के बारे में लिखना है। यू मस्ट इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, अपने आप को इंट्रोड्यूस करो। डिस्क्राइब हाउ द पीपल आर ब्लेम फॉर द पॉल्यूटिंग द रिवर, सजेस्ट द नीड टू इंस्टॉलिंग वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, क्लियर द रिवर। तो बस आपको 8 पॉइंट याद रखने हैं जो मैंने आपको पहले बताया। यहाँ पे पहले सेंडर एड्रेस, फिर डेट, फिर रिसीविंग एडिटर एड्रेस, सब्जेक्ट ऑफ लेटर। यहाँ पे आ गया सेंडर एड्रेस, डेट आ गई, स्पेस छोड़ रखा हुआ है, एडिटर का एड्रेस आ गया हिंदुस्तान टाइम्स का, सब्जेक्ट वन लाइन का है, इसमें क्या बता रखा है, नीड फॉर पीपल मूवमेंट फॉर क्लीन मूवमेंट, क्लीन यमुना, यमुना को क्लीन करने के बारे में। डियर एडिटर आ गया, सैल्यूटेशन आ गई। सैल्यूटेशन के बाद क्या था, बॉडी स्टार्ट हो जाती थी, उसमें तीन पैराग्राफ आएंगे। अब देखिए तीन पैराग्राफ है यहाँ पे, अब क्या लिखना चाह रहे, देखो ये आई एम राधा, ये पहला यहाँ तक पहला पैराग्राफ है, दूसरा यहाँ तक है और तीसरा ये फाइनल। इसमें क्या बताया, इसने पहले अपने इंट्रोडक्शन दे दी, आई एम राधा, मेंबर है एनजीओ आवास की, आई एम राइटिंग टू यू ए ऑर्डर टू हाईलाइट द डिट्रोइटिंग कंडीशन ऑफ द रिवर यमुना। इसने हाईलाइट कर दिया जो जो इसको लिखना था ब्रीफ में, अब इसने इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया। द सिटी ऑफ दिल्ली इज गेटिंग कंटेमिनेटेड वाटर फ्रॉम रिवर यमुना, द रेजिडेंट्स आर टू बी ब्लेम फॉर दिस, दे पोल्यूट द रिवर विद गार्बेज, गार्बेज के साथ, सीवेज के साथ, फ्लिक के साथ खराब कर रहे हैं रिवर को। द रिवर वाटर इज फुल ऑफ बैक्टीरिया, प्लास्टिक, केमिकल्स, अदर वेस्ट मटीरियल, इट इज अनफिट फॉर कंजप्शन, अनफिट है कंजप्शन के लिए। अब तो ये हो गया, पहले में इसने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया, इसमें इसने एक्सप्लेन कर दिया कि अब ये क्या चाहती है। द पीपल हैव बीन डिमांडिंग द वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, द अथॉरिटी हैव नॉट येट रिस्पॉन्डेड टू द रिपीटेड रिक्वेस्ट। तो अभी देखिए, आई रिक्वेस्ट यू टू हाईलाइट द प्रॉब्लम इन योर न्यूज़ पेपर एंड अरोज पब्लिक इंटरेस्ट, वी विल ऑल नीड टू गैदर टूगैदर इन ऑर्डर टू गेट द प्लांट सेटअप इन द एरिया। अब इसके अंदर तो कुछ ऐसे लाइन्स हैं जो आपको कैसे भी लगा सकते हैं, जैसे कि ये लाइन तो बिल्कुल ही आप लगा सकते हैं, आई रिक्वेस्ट टू हाईलाइट द प्रॉब्लम इन योर न्यूज़ पेपर एंड अरोज द पब्लिक इंटरेस्ट, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो ये लाइन तो फिट कर दीजिए। यहाँ पे आपका ये हो गया, जो भी नाम होगा डेजिग्नेशन होगी, आई एम राइटिंग टू यू है ऑर्डर टू हाईलाइट द, जो आपको क्वेश्चन दे रखा होगा उसके रिगार्डिंग हो जाएगा। नीचे थैंक यू, योर सिंसियरली राधा, मेंबर ऑफ आवाज। ओके गाइस, कुछ था इसमें, कुछ नहीं था, बस आपको ये 8 पॉइंट याद कर रखने हैं, सेंडर एड्रेस, डेट, रिसीविंग, और उसके बाद यहाँ पे आपको बॉडी में ध्यान रखना है, पहले में इंट्रोड्यूस करना है अपने आपको, फिर मैटर की डिटेल देनी है, लास्ट में कंक्लूड करके ख़त्म कर देना। ओके गाइस, थैंक यू, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अगर आपको कोई भी वीडियो चाहिए किसी भी टॉपिक पे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उसकी आगे वीडियो बना के आपको डिलीवर कर देंगे। थैंक यू गाइस।